सभी लोग का अन्नपूर्णा सर्वेश्वरी सुमन की रसोई में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पूरे अनुभव और अपने एकदम से पारंपरिक तरीके से आंवले का मुरब्बा, जो कि सेहत और पेट के लिए तो अमृत कहा जाता है और इसको हम लोग व्रत में भी खा सकते हैं, जब इच्छा हो तब खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं एकदम जैसे 100 साल पहले हमारी दादी नानी और हमारे जो हमारे सास लोग बनाती थी, सेम उसी अनुभव से और उन्हीं लोगों के तरीके से हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हमने आंवला लिया है और इस आंवले से हम लोग बनाएंगे मुरब्बा, और ये आंवला बिल्कुल पका हुआ है जैसे कि एकदम अच्छा है। और इसका और जब भी आप आंवला लें, बड़ा वाला लें, छोटा वाला आंवला ना लें, देसी आंवले से जो छोटा छोटा आता है उससे मुरब्बा नहीं बन पाता है। बड़ा वाला आंवला लेंगे ना तो आपका मुरब्बा बहुत सही बनेगा। ये जो आप देख रहे हैं काला काला, ये बहुत खराब नहीं है, ये सही है। ये क्योंकि अब मार्च का महीना में हम बना रहे हैं तो लास्ट सीजन चल रहा है और जो हमें बढ़िया अच्छा सा दिख रहा है, इसका कलर बिल्कुल हरा नहीं है, ये पीला पीला दिख रहा है। तो ये पका हुआ है, ऊपर इसमें बहुत खुजा है और अंदर तक एकदम ठोस है। तो इसी से हम लोग बनाएंगे दोस्तों आंवले का मुरब्बा, और बिल्कुल जो कि हमारी पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है, न कि आजकल जैसे बनाया जाता वैसा नहीं, जैसे कि हमारी सासू माँ या उनकी सासू माँ बनाती उस तरीके से, बिल्कुल नियम से अगर बनाए तो ये पेट के लिए अमृत के समान है मुरब्बा। और गर्मियों में तो इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। तो देख सकते हैं, और इसको करना क्या है, पहले इसको धुलना है, धुलने के बाद इसको कपड़े से पोंछ लें, और इसके बाद इस आंवले में इसका तार की तरफ भी आता है और वो ना हो तो आप फॉक, इससे भी इसको हम लोग पूरा अच्छे से इसकी गुदाई करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई नीचे कड़ाची ले लें, जैसे कि ये हम किचन प्लेटफॉर्म इसी पे रखा है, और इसको बहुत ही दोस्तों बारीकी से आप इसको, ये थोड़ा हार्ड पड़ता है तो आप इसको पहले ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऊपर से ही गोद लें, जिससे कि एक तरह से ऊपर से जब जाला बनेगा तो अंदर तक आप इसको गोद सकते हैं। पर गोदना है हमें, देखिए ये हमने डाला पूरा हार्ड हो गया। अब इसको जितना आप अंदर तक इसको अच्छे से इसकी गुदाई करेंगे उतना ही ये बढ़िया हमारा मुरब्बा तैयार होगा। तो और हाथ बचाते हुए दोस्तों, क्योंकि सेफ रहना भी जरूरी है, तभी आंवला का खाने का भी आनंद आएगा। तो ये देखिए हम लोग, और पूरे आंवले को हम लोग ऐसे ही गुदाई करेंगे। हम लोग के गांव में तो समझ लीजिए ना कि अगर 5-5, 6-6 किलो का, 10-10 किलो का मुरब्बा बने तो 2-2, 3-3, 4-4 औरतों को अगल बगल की बुला लेते हैं और सभी लोग अपना साथ में सहयोग भी करते हैं और आंवले का मुरब्बा बनके हम लोग का तैयार हो जाता है। आप इसको उलटते चलिए और इसको ऐसे गोदते चलिए, देखिए, और बारीकी से गोदना है ताकि इसका जो कसैला इसका रस है ना वो निकल रहा है। देखिए हम गोद रहे तो इसका पूरा काफी रस जो है वो छिटक रहा है, देखिए। जैसे इसमें आपको जाली टाइप में दिखेगा, देख रहे हैं ना, जाली वैसा होना चाहिए, देखिए एक एक जाली से इसमें से रस निकलना चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही सारे को गोद लेंगे, और गोदने के बाद जैसे जिस परंपरा से हमारे एकदम आयुर्वेद के अनुसार जो मुरब्बा बनाया जाता है सेम मैं वैसा बताऊंगी, ताकि हमारा मुरब्बा अगर 4 साल भी रखे ना, वैसे तो टिकता नहीं, टिकने का मतलब कि इसको लोग खा जाते हैं, और बहुत ज्यादा अगर आप बनाने का इसका शौकीन है तो आप ज्यादा बनाकर 1-2 साल भी रखें, ये कभी खराब नहीं होगा। देखिए हमने सारे को एकदम जाली जैसे गोद दिया अंदर तक। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप कि इसका एक एक दिख रहा है, जब हम इसको गार रहे हैं तो इसमें से दबाने से सारा इसका आंवले का रस, देखिए कितना एक आंवले से कितना रस इसका गिरा, ये चीज का इसमें से निकल जाना चाहिए तभी ये हमारा। अब देखिए आपको एक एक इसमें छेद कर जाने, ये मुरब्बा हमारा रसगुल्ले से भी सॉफ्ट बनेगा, ऐसा ही हमें गोद के तैयार करना है। तो सारे आंवले को हम ऐसे ही तैयार, यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि सारे आंवले को हमने अच्छे से एकदम अंदर तक गोद लिया है, एकदम आपको दिख रहा होगा एकदम जाली नुमा। अब इसको हमको करना क्या है, जैसे कि हम लोग पारंपरिक तरीके से बनाते हैं वैसे बनाएंगे। अभी पूरे को हमने बढ़िया से इसकी गुदाई कर ली है, जैसे कि एकदम जालीदार हो गया है, और जो भी इसको गोदने के बाद जो पानी निकला उसको हमने ऐसे गिरा दिया है। अब इसको हमको करना क्या है कि आप इसको फिटकरी का पानी तैयार करें उसमें डालें, या आप चूने का पानी डालें। तो हम दोस्तों अब इसको कम से कम
सात से आठ घंटा चूने के पानी में इसको हम लोग डुबका करके ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कम से कम 4 लीटर पानी लिया है और उसमें एक पैकेट चूने का जो था हमने इसी में डाल दिया है, आपको दिख रहा है चूना। अब इसको करना क्या है कि जो पानी ऊपर का चूना वाला है उसको हम लोग एक बर्तन में पलट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक हम बड़ा बर्तन ले रहे हैं, इसी बर्तन में जो पानी है ना सारा पानी सिर्फ हमें लेना है, चूना नहीं जाना चाहिए, जो नीचे बैठा हुआ चूना है ना उसको हम लोग इसमें छोड़ देंगे और सिर्फ दिख सकते हैं चूने का जो पानी है बस उसी को हमें लेना है और इसी पानी में सारे आंवले को हमें डुबका देना। देख सकते हैं कि जो चूना था उसको घूल करके हमने उसका पानी उतार लिया और जो गाढ़ा चूना था उसको साइड में लगा दिया है और अब सारे आंवले को हम इसी चूने के पानी में कम से कम 8 से 10 घंटे इसी में भिगो करके छोड़ देंगे और अब इसको जब 8-10 घंटा हो जाएगा इसके बाद इसको कई पानी हम लोग को धुलना पड़ेगा। तो अब इसको पहले दोस्तों कम से कम 8 घंटे के लिए इसी में हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमने इसको कम से कम 5 से 6 पानी धुला है, आंवले का एक एक जाली आपको इस आंवले में दिख रहा है देखिए और अभी भी इसमें पानी है। तो जब पानी है इसको आप खूब मुट्ठी में लेकर के हाथ के बल से खूब दबाइए जिससे कि जो अतिरिक्त धुला हुआ पानी है सब निकल जाए और अब इसको चलते हैं दोस्तों हम इसको कम से कम 2 घंटा धूप में रखें। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2-2.5 घंटे इसको धूप में रखा था और हल्का हल्का इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है, जालनुमा हो चुका। अब करना क्या है हमें, तो 2.5 किलो में हमें 4 किलो चीनी, मैंने पूरे डब्बे में 4 किलो चीनी लिया है। अब लेंगे हम बड़ा बर्तन। तो दोस्तों यहाँ हमने लिया है बड़ी सी कढ़ाई और अब ज्यादा है तो मैं बड़ा में कर रही हूँ, आपका कम होगा तो छोटे बर्तन कर लीजिएगा और इसीलिए इसमें अब 4 किलो हमारी चीनी है ना तो कम से कम 1 पाव इसमें पानी डालेंगे, 250 ग्राम मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी ये जो मैंने 4 kg चीनी लिया है, इस चीनी को हमें डाल देना है पूरी चीनी में, इसी में देखिए डाल दिया हमने और अब हल्की सी चीनी को गलने देंगे, इसके बाद इसमें हम अपना डालेंगे आंवला। यहाँ पे हमने देख दोस्तों चीनी डाल दिया है और चीनी को थोड़ा सा हम पानी में ऐसे मिला लेंगे और अब इसी में इस पूरे आंवले को हम डाल देंगे, जो हमारा 2.5 kg आंवला है ना 4 kg चीनी में हमने इसको डाल दिया है और अब दोस्तों इसको थोड़ा सा हम बड़ा बर्तन है तो हमको चलाने में थोड़ा बहुत आसानी है और अब इसको चला देते हैं और इसको ढक देंगे मीडियम बिल्कुल आंच करके ताकि नीचे हमारी चीनी न लगने पाए और धीरे धीरे आंवले का जो पानी है वो भी निकलेगा और जो हमने 1 गिलास पानी इसमें डाला था वो भी सबको मैंने चला दिया है। अब दोस्तों गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करना है और अब इसको हम लोग ढकेंगे ताकि हमारी चीनी गले और इसका एक सीरा, देख सकते हैं कि हमारा जो चीनी था ना वो बिल्कुल सीरा बन चुका है पतला पानी की तरह। तो अभी इसको कम से कम 1.5 घंटा इसी सीरे में पकना है मीडियम आंच पे, तभी जाके हमारा जो कि मुरब्बा है आंवले का वो बहुत ही बढ़िया और सालों साल टिकने वाला होगा। तो ऐसे ही हमने बहुत जैसे कि दादी सा को देखा था और वो अपने सासू माँ वगैरह से भी इसी तरीके से बनाना सीखी थी, तो ये पारंपरिक तरीके से हम बना रहे हैं और सेम जैसे कि पहले के लोग आयुर्वेद के तरीके से बनाया जाता था पारंपरिक तरीके से, वही सारे नियम से हम इस आंवले के मुरब्बे को बना रहे हैं। तो अब इसको तब तक पकाना है जब तक कि सीरा हमारा बिल्कुल शहद की तरह ना हो जाए और ये धीमी धीमी आंच पर मीडियम आंच पर इसको हमें पकने देना है। दोस्तों अभी भी ये पक रहा है और इसकी आपको चेक कैसे करना है कि हमारी चाशनी पक गई है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ आप सीरा उठाइए और हाथ पर लगाइए, देखिए ये शहद की तरह इसका सीरा हो गया, चमक रहा है, गाढ़ा भी हो चुका है, हल्का तार तो आना नहीं बिल्कुल चाहिए और आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर कितना सुंदर हो चुका है, एकदम कलर भी आप देख रहे हैं और हमारा बहुत ही बढ़िया अंदर तक इसके अंदर सीरा एकदम भर चुका है। तो अब इसको हम लोग तुरंत बंद कर देंगे, अब इससे ज्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि 1.5 घंटे से ऊपर 2 घंटे में मात्र 15 मिनट बाकी है और हमारा ये बन करके बिल्कुल आंवले का मुरब्बा रेडी हो चुका है। तो अब करते हैं दोस्तों गैस बंद और इसको होने देते हैं हम ठंडा। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा मुरब्बा आंवले का बहुत ही सुंदर और एकदम से रसीला बनके तैयार हो चुका है और देखिए ये है, इसका कलर कितना प्यारा आया है,
और ये आप इसको रखेंगे ना तो ये समझ लीजिए कि अब एकदम से काला हो जाता है। जितने ज्यादा दिन धीरे धीरे होता जाएगा ना तो ये आंवले का मुरब्बा काला हो जाएगा और एक एक छेद के अंदर इसके सिरा जा चुका है और सिरा भी एकदम शहद की तरह। तो असली मुरब्बा आंवले का बनाने का ये तरीका है। अब इसको हम लोग शीशे के जार में पैक कर देते हैं। दोस्तों अब इसको हम लोग शीशे के जार में रखेंगे और देख लीजिए एकदम ठंडा हो चुका है। और ये जानते हैं अगर इसको 4 साल से 5 साल भी रखें ये आंवला का मुरब्बा बिल्कुल खराब नहीं होता है और ये सेहत और पेट के लिए तो समझ लीजिए एकदम लाजवाब। दोस्तों मैं इस आंवले के मुरब्बे को आपको तोड़ के भी दिखा दूंगी कि ये अंदर तक कितना रसीला है और एक एक रेसे रेसे में इसका सिरा जा चुका है। देखिए आप देख सकते हैं ना ये तरीका होता है आंवले का मुरब्बा बनाने का। ये देखिए आपको अंदर तक एक एक रेसे रेसे में इसका सिरा जा चुका है और ये पूरा सिरे से भरा हुआ है हमारा आंवले का मुरब्बा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आंवले का मुरब्बा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और एकदम से पारंपरिक तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। ये मुरब्बा आप 4 से 5 साल भी रखें तो ये बिल्कुल खराब नहीं होगा और सालों साल चलने वाला यही मुरब्बा आंवले का बनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी इसको जरूर बनाएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारे मुरब्बा बनाने का तरीका आप लोग को बहुत पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।